केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दिल्ली से पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही बड़ा बयान दे दिया। उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि पार्टी पिछले दरवाजे से जातिगत गणना की तरह बिहार में लागू 65% आरक्षण को भी कोर्ट में घसीटना चाहती है, इस पर पार्टी का क्या जवाब है। जवाब में अश्विनी चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, जो वास्तव में समाज के शोषित लोग हैं उनके प्रति इनका ध्यान ही नहीं है। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हर तरह से ऊंचे हैं वो ऊंचा बनते रहे। लालू यादव परिवार से आते हैं तो क्या उन्हीं के वंश का नाम हो। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।